दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैश में स्वागत है। यह सरलीकरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, 3 - 3 + √5/4 - 1/3 + √5, इसको हल करना है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। 3 - 3 + √5/4 - 1/3 + √5। अब हम ऊपर नीचे 3 - √5 से गुना कर सकते हैं। इसको हम ले लिया 3 - 3 + √5/4 - अब 3 - √5 लिख सकते हैं, 1 में से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3² - √5² एक फार्मूला होता है, a² - b² = a + b a - b। इसी फॉर्मूला पे मैंने इसको लिखा है। अब नीचे में हम एलसीएम लेंगे, 4 ये हो जाएगा 12 - 3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, +√5 - 3 - √5 / 3² - √5² ये ऊपर में अभी माइनस ही रहेगा, √5, इसको ब्रैकेट में रहने देंगे अभी। अब ये 3 में 3 से गुना हुआ तो 9 हो जाएगा, माइनस रूट हटेगा तो ये 5 हो जाएगा, बराबर 4, ये 9 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा, माइनस √5 - 3 - √5, ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 - 9 - √5 - 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5√, इससे ये कट गया, 6 - 9 में से 3 घटेगा, 6/4, इससे इसको काटेंगे, 3 और 2 = 3/2, यही इसका आंसर आएगा। सरल करने पर इसको हम अगर हल करते हैं तो ये आंसर आएगा। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को बनाना बहुत आसान होता है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।